हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का जो सेशन है उसमें हम चर्चा करेंगे एक आपके जो एग्ज़ाम जो प्रस्तावित हैं अभी हाल ही में, उनमें जो है कुछ स्टूडेंट जो एग्ज़ाम सिटी में चेंज करना चाहते थे उनका जो लिंक जो है वो एक्टिवेट हो गया है। सेकेंड चीज़ जिनका रिजल्ट अभी आया है उनमें कुछ स्टूडेंट को परीक्षा में प्रेजेंट रहते हुए भी जो है रिजल्ट में एब्सेंट दिखाया गया है, तो उस पर जो है हम इन दो अपडेट के बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि आप हमसे जो है टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे तो आपको ये लिंक जो है आपको मिल गया होगा। यदि अभी तक आपने फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस को टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको जो है सभी प्रकार के जो लिंक जो हैं वो आपको अपडेट जो हैं उसके साथ अवेलेबल हो जाते हैं। तो VMU एग्ज़ाम सिटी चेंज का जो ऑप्शन है वो एक्टिव हो चुका है। VMU एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने जो है 26 जून से जो प्रस्तावित जो आपकी थ्योरी के एग्ज़ाम्स जो हैं उसके लिए एग्ज़ाम सिटी चेंज करने का जो लिंक जो है वो एक्टिव कर दिया है। तो जो स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम सिटी में चेंज करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द परिवर्तन कर लें, क्योंकि ये जो लिंक जो है एडमिट कार्ड आने से पहले जो है काफ़ी जो है 2-3 दिन पहले डीएक्टिव हो जाता है, उसके बाद जो है एडमिट कार्ड आते हैं। तो जो भी स्टूडेंट अपना जो है एग्ज़ाम सिटी में चेंज करना चाहते हैं तो वो इस लिंक से जो है अपना एग्ज़ाम सिटी में चेंजमेंट कर सकते हैं। ये जो लिंक जो है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज जो है आप फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं और मोबाइल से जो है इसको एग्ज़ाम सिटी को चेंज कर सकते हैं। देखिए एग्ज़ाम सेंटर में चेंज नहीं होता है, एग्ज़ाम सिटी में चेंज होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आपका जो है एग्ज़ाम सिटी जो है आपका कोटा है या भरतपुर है और आप एट प्रेजेंट जयपुर में रह रहे हैं तो आप अपना एग्ज़ाम सिटी जो है वो जयपुर ले सकते हैं। तो जयपुर में जो भी एग्ज़ाम सेंटर होगा वो आपको अलॉट कर दिया जाएगा। अदरवाइज़ स्पेशल किसी एरिया में एक सेंटर है यदि वो फिल करते हैं तो आपको वही सेंटर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो है सुविधानुसार जो है अपना एग्ज़ाम सेंटर जो है वो चेंज नहीं होगा, अपना सुविधानुसार जो है एग्ज़ाम सिटी को आप चेंजमेंट कर सकते हैं। सेकंड जो अपडेट है, अभी जो रिज़ल्ट आए थे उसमें काफ़ी स्टूडेंट को जो है प्रेजेंट रहते हुए भी जो है VMU ने एब्सेंट दिखाया था। तो VMU का जो एब्सेंट का जो इशू जो चल रहा था उसका ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट साइट पर हो गया है। इसको जैसे ही आप इमेज पे देखेंगे तो इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है जून 2022 सत्रांक परीक्षा में त्रुटिवश अनुपस्थित घोषित किए प्रकरणों का जो समाधान जो सॉल्यूशन है वो यहाँ पे किस प्रकार से आपको करना होगा। तो यहाँ पे हम इस बार एक बार जो है इसको देख लेते हैं। जून 2022 सत्रांक परीक्षा का जो रिजल्ट में जो है टेक्निकल इशू के कारण जो है परीक्षा में जो उपस्थित थे प्रेजेंट थे ऐसे स्टूडेंट को एब्सेंट घोषित किए जाने का जो इशू जो है वो विश्वविद्यालय के नॉलेज में आया है। तो विद्यार्थियों के इस संबंध में जो है आवेदन को प्राथमिकता से समाधान किया जा रहा है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना जो प्रेजेंट का जो परीक्षा केंद्र जो था यहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया है वहाँ पर जो एग्ज़ाम कंट्रोलर जो है उसको जो है उपस्थिति को लेकर जो आगे VMU एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट जो है उसको सेंड करना है। स्पष्ट शब्दों में कहें तो जहाँ पर जिस सेंटर पर आपने परीक्षा दी है उस सेंटर से अपनी अटेंडेंस शीट जो है उसमें आप प्रेजेंट थे वो शीट को लेकर उसकी फ़ोटोकॉपी जो है उसको लेकर VMU एग्जामिनेशन जो डिपार्टमेंट जो है VMU एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है उसको आपको सेंड करना है। और अन्य प्रकार का यदि इसको बारे में ज़्यादा इश्यू है तो एक बार आप इससे पहले रीजनल सेंटर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसका जो डायरेक्ट जो सॉल्यूशन है वो VMU ने ऑफिशियल साइट पर जो है अपने होम पेज पर जो है इसको डाल दिया है। तो ये जो अपडेट थे वो आपको मिल गए होंगे। इसके अलावा जो भी जैसे अभी जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें एग्ज़ाम सिटी एग्ज़ाम चेंज करने का जो ऑप्शन है वो भी आपको एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा जो है एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी एंड आपके जो है VMU के जो एग्ज़ाम जो हैं उसमें एग्ज़ाम टाइम जो स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। सारे जो अपडेट्स जो होंगे सारा जो स्टडी मटेरियल होगा वो आपको मिल जाएगा। और अन्य प्रकार की यदि आपकी कोई भी क्वेरीज है तो इस वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिए। और आपका अपना जो फ्यूचर फर्स्ट क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसमें क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं उनको देखिए। देखिए बार बार डिफ़ॉल्टर फॉर्म भरकर बार बार एग्ज़ाम देने से अच्छा है कि एक बार अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना जो MSc MA जो भी आपका प्रोग्राम है उसको कंप्लीट कीजिए। ये जो है अपडेट था।
और भी कोई आपकी क्वेरीज हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर एंजॉइंग स्टडी लाइफ विद फ्यूचर फर्स्ट क्लासेज। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।